हेलो दोस्तों, जय माँ काल, राम राम, राधे राधे। दोस्तों, शून्य टू इन्फिनिटी चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें। ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स पाने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखें, जिससे आगे आने वाले राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हैं, पटवारी, वनपाल, वन रक्षक, हाईकोर्ट, जितने भी जिसमें राजस्थान की जीके आएगी, उसमें ये ट्रिकें आपके बहुत हेल्प करेगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो टॉपिक रह गया था फसलों का, कल व्यापारिक फसलें बताए थे, उसकी याद करने की ट्रिक थी, और आज नकदी फसलें, जो राजस्थान में नकदी नकदी फसलें बोई जाती है, और उसके साथ जो भारत में भी कुछ नकदी फसलें भारत की भी बताएंगे। तो उनमें से राजस्थान की पहले होगी और फिर बाद में इंडिया की होगी। तो पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं, नकदी फसलें क्या होती है उसके बारे में। तो नकदी फसलें वे फसलें जो उद्योगों के कच्चे माल के रूप में काम में आती है। तो वे फसलें जो उद्योगों के कच्चे माल के रूप में काम में आती है, वे फसलें नकदी फसलें होती है। तो दोस्तों, ये हो गई नकदी फसलें। अब इसको याद करने की ट्रिक है, काजू सु अगर समूसो तो काको नगद आम लातो। काजू सु अगर समूसो बनतो तो, ये मान लो, काजू सु अगर समूसो बनतो तो काको नगद आम लातो। तो दोस्तों, का से हो जाएगा काजू। इसको 10 से 15 बार दोस्तों रिपीट कर लेना और फिर ये याद हो जाएगी। एक बारी टेस्ट देके देख लेना दोस्तों, और पहले इसको 10 से 12 बार बोल लेना, और फिर आप अपने हिसाब से टेस्ट देके देख लेना, जिससे पता चल जाएगा कि ये ट्रिक कितनी काम की है। काजू सु अगर समूसो हो तो काको नगद आम लातो। तो काको काय करतो, नगद आम लेतो। तो का से हो जाएगा दोस्तों कपास। जू से हो जाएगा दोस्तों जूट। सू से हो जाएगा सूरजमुखी। ऐसे हो जाएगा दोस्तों अरंडी। अरंडी गैसे हो जाएगा दोस्तों गन्ना। गन्ना हो गया गैसे। फिर सरसे हो जाएगा दोस्तों सरसों, रख सकते हैं उसको, या संतरा, इंडिया का ही संतरा, लेकिन सरसों तो है राजस्थान का, तो सरसे हो जाएगा सरसों। ओके दोस्तों, ये हो गई सरसों। फिर नेक्स्ट है सरसों के बाद में मूँग। सब मूँग, सब मूँग से, मूँग से मूँगफली हो जाएगा। मूँग से क्या हो जाएगा, मूँगफली हो जाएगा। समूह सो, सो से हो जाएगा सोयाबीन। तो से हो जाएगा तिलहन। तो से क्या हो जाएगा, तिलहन। फिर तो से तिलहन हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा दोस्तों, कॉफ़ी। ये है राजस्थान, ये है इंडिया की। अब यहाँ से हो गई इंडिया की, ये इंडिया में आती है। इंडिया में कौन कौन सी नकदी फसलें होती हैं उनके बारे में। तो कहाँ से हो जाएगा दोस्तों, कॉफ़ी। को से हो जाएगा दोस्तों कोको। नगद से होगी, नगदी फसलें हैं ये। आम से हो जाएगा आम। तो ये समझ लो दोस्तों, आपको हो गई याद। तो इसका हो जाएगा काजू सु अगर समूसो हो तो काको नगद आम ला तो। समझ गए दोस्तों, इसको 10 से 15 बार रिपीट कर लेना, जिससे आपको ये याद हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। पहले वाले वीडियो ज़रूर देख लेना दोस्तों, जिसमें हमारे जो बावड़ियाँ हैं उनकी ट्रिक है, नदियों की ट्रिक है, और जो कल हमने पढ़ा था व्यापारिक फसलें, उनकी भी देख लेना दोस्तों। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत सहायता करेगी। हंसते रहे दोस्तों, मुस्कुराते रहे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें दोस्तों, रुकना मना है। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।